गुड आफ्टरनून। देखिए, पिछले क्लास में बताया गया था कि अगर आपके पास टेन इनवर्स एक्स हो और डी एक्स हो, और आपके पास अगर लॉग एक्स हो और डी एक्स हो, तो जब भी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो दो फंक्शन चाहिए। यहाँ पे तो सर एक ही फंक्शन है, तो जो दूसरा फंक्शन होता है उसको हम लोग वन मान लेते हैं, सेकेंड फंक्शन को वन मान लेते हैं टेन इनवर्स और लॉग एक्स के केस में। और कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक फंक्शन दिया हुआ हो और आपसे नहीं बन रहा हो, तो आप दूसरे फंक्शन को वन मान के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों में तो कन्फर्म वन ही मान के बनेगा। उसके बाद हम बताए थे कि अगर पावर टाइप का कुछ दिया हुआ रहे तो इसको आप टी मान लीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही आप टी मानेंगे आपको डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन पहले एक्स का वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट करना है। जैसे टेन इनवर्स एक्स है बराबर टी, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना है विथ रिस्पेक्ट टू टू, पहले आप एक्स का वैल्यू निकालिए और फिर जाके उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो सर इसमें भी तो एक ही फंक्शन है लेकिन दूसरे फंक्शन को वन मानना है, तो नहीं, इसमें नहीं मानेंगे हम। इसमें हमेशा जिस पे पावर होता है ना उसको हम लोग टी मान लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये हम बता चुके हैं इतना बात। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आई ई पे पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो आई लेट इसको हम लोग बोल देंगे सेकेंड फंक्शन और कॉस आपका हो जाएगा पहला फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स, सेकेंड फंक्शन ई पे पावर एक्स। फिर बताए थे पहले का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन होता है जैसा का तैसा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आई एक घर दूसरा घर, हाथी का सूर एक घर दो घर और डीएक्स। फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या लिखना है आपको, फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसमें आपको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। हो क्या जाएगा, कॉस एक्स ई पे पावर एक्स, ये माइनस और ये माइनस, प्लस ई पे पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स।
इसको बोल देते हैं वन। एक बार और हमको बायपार्ट्स लगाना होगा, एक बार और आई कॉस एक्स ई पे पावर एक्स प्लस इसमें इसमें वन मानने की अब जरूरत नहीं है, जब इसी को इसको हम लोग बोल देते हैं पहला दूसरा फंक्शन और ये हो जाएगा पहला फंक्शन। तो एक घर दो घर हाथी का सूर एक घर दो घर और डीएक्स। तो पहला फंक्शन ई पे पावर एक्स सॉरी साइन एक्स ना साइन एक्स, इसमें क्या ई पे पावर एक्स पहले का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ पे हम लिख दिए कॉस एक्स और यहाँ पे हो गया ई पे पावर एक्स। तो फाइनली मेरे पास जो आया आई e पे पावर x cos x e पे पावर x sin x। सर ये इंटीग्रेशन हाथी का सूर जाने का तो नाम ले ही नहीं रहा है हमेशा, ये फिर देखिए फिर एक बार रह गया ये वाला हाथी का सूर आपका फिर से बच गया, दो बार तो लगा ही चुके हैं फिर से ये देखिए बचा हुआ है। तो हमको लगता है ये जो है सर यही तो क्वेश्चन है, ये बराबर आई यानी इसके बराबर जिसको हम रेड कलर से किए हैं इसके बराबर हम आई मान सकते हैं क्योंकि ये आई के बराबर है। तो हमको मेन आई का वैल्यू निकालना है, तो आई ई पे पावर एक्स कॉस एक्स, अरे सर गड़बड़ हो गया यहाँ तो प्लस था ना छूट गया, प्लस ई पे पावर एक्स साइन एक्स और माइनस आई, ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा टू आई, ई पे पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और आई बराबर हो गया ई पे पावर एक्स डिवाइडेड बाय टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अब प्लस सी। मतलब देखिए हमने एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया तो ये बचा, फिर एक बार आया तो ये, फिर से देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को हम लोग आई मान सकते हैं, हमको मेन आई का ही वैल्यू निकालना था तो आई बराबर ये हुआ। इसको नोट कर लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हो जाए तो बताइएगा। हो गया, अच्छी बात है हो गया। तो
क्वेश्चन लिखिए। आई कॉस लॉग एक्स डीएक्स, इसमें भी ध्यान से आप देखिए, आपको एक ही फंक्शन दिखाई देगा। आपको कितना फंक्शन दिखाई देगा? एक फंक्शन, यही है आपका सिंगल फंक्शन, एक ही है ये कॉस लॉग एक्स। ऐसा मत समझिएगा ये कॉस अलग, एक ही साथ है। तो सर जब भी हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है तो हमको दो फंक्शन चाहिए। तो हम लोग काम क्या करते हैं कि अब बहुत लोग इसमें दूसरे फंक्शन को वन मान लेगा, कोई फायदा नहीं है वन मानने से। आप लॉग एक्स को टी मान लें, लॉग एक्स को क्या माने? टी। कॉस के पास जो भी बैठा हुआ है उसको आप टी मान लें। जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो डिफरेंशिएट करना जरूरी है, डिफरेंशिएट करना ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी डिफरेंशिएट नहीं करना है। पहला काम करना है एक्स का वैल्यू फाइंड करने के बाद डिफरेंशिएट करना है। इंटीग्रेशन में जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो हम एक्स का वैल्यू पहले निकालते हैं। सर लॉग के पास कुछ नहीं है अगर, तो ये ई है। जैसे ही लॉग को हटाएंगे, ये बेस जो है, ये बेस जो है बेस बन जाता है। क्या बन जाता है? बेस बन जाता है। ये x का x बचेगा और ये बेस इस साइड आके बेस बन जाएगा और ये t क्या बन जाएगा? पावर। तो पहला काम आपको करना है कि आप x का वैल्यू निकाल लें, फिर अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx by dt बराबर e पे पावर t। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? e पे पावर t और dt। अगर गलती से भी डायरेक्ट आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिए तो कहानी ख़त्म, फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो I cos log x के जगह पे t और dx के जगह पे e पे पावर t dt। अभी ये क्वेश्चन हम बनाए हैं, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो यही था। अरे वहाँ पे x था, यहाँ पे t है। तो आगे काम आप लोग कर लेंगे DYS, do yourself। Thank you.
फिर से बना लेंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन इनवर्स एक्स पे पावर टू डी एक्स, जैसे ही आपको पावर दिखाई दिया और यहाँ भी सिंगल फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, तो काम क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग टी मान लेंगे। क्या मानेंगे? टी। थोड़ा बनाइएगा इसको। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी। एक्स इक्वल टू साइन टी, ऐसा नहीं है कि जो भी सब्टिट्यूशन हम लोग किए तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए जब भी हम लोग सब्टिट्यूशन कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो एक्स का वैल्यू निकालने के बाद ही हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डी एक्स बाई डी टी साइन का हो जाएगा कॉस टी, तो डी एक्स बराबर कॉस टी डी टी। तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा टी का स्क्वायर, और डी एक्स के बदले क्या हो जाएगा, कॉस टी डी टी। आपको इसमें दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा। कितने बार? दो बार। एक पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो सबसे एक्सेप्शनल है, अभी क्या क्या पढ़े आप, क्या क्या नियम है? एक तो नियम है सर आइलेट का, एक नियम आइलेट का था। दूसरा नियम क्या था, आप सेकेंड फंक्शन को वन मान लेते थे, ए सिंगल होता था। तो और क्या नियम था, अगर पावर टाइप का कुछ है तो आप एफ एक्स को टी मान लेते थे, या फिर ऐसा कुछ था तो इसको भी आप टी मान लेते थे। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि जितना भी चीज आप लोग पढ़े हैं सब कुछ उसमें फेल कर जाता है, कोई भी नियम अप्लाई नहीं होता। जैसे देखिए ये सिंगल क्वेश्चन है जो कि जिसको कि हम एक्सेप्शन बोलते हैं, आई से क्यू एक्स डी एक्स। तो इसमें सर पावर है, पहली बात ये तो सिंगल है, आईलेट तो लगेगा नहीं इसमें। आईलेट क्या हो गया, आईलेट फेल हुआ। उसके बाद अगर हम सेकेंड फंक्शन को वन मान लेते हैं वो भी फेल कर गया, क्योंकि पावर है। तो अगर हम सेक एक्स को टी मान लेते हैं ये भी फेल कर गया। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है
जिसमें कि जो भी रूल अभी तक आप पढ़े हैं सब फेल कर जाता है, पर एग्ज़ाम में जनरली ये पूछा जाता है। तो काम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं sec x और sec स्क्वायर x। ये क्वेश्चन ही एक्सेप्शन है क्योंकि दोनों ट्रिगो है। अब हम काम क्या करते हैं, किसका इंटीग्रेशन आसान है, किसका इंटीग्रेशन इजी है या फिर किसका इंटीग्रेशन आसान है। अब जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकेंड फंक्शन मान ले, जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकेंड फंक्शन मान ले। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आसान है तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया sec x और सेकेंड फंक्शन हो गया sec स्क्वायर x, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, सबको पता है, आसान भी होता है। तो पता तो sec x का भी है, sec है या cosec है, क्वेश्चन हम भूल रहे हैं क्या, एक मिनट क्वेश्चन हमको देख लेने दीजिए, cosec है या sec है, सही है sec ही है। हाँ तो बाहर की आवाज़ सुनना है, आ रहा है, आज काम हो रहा है बाहर में, तो बाहर की आवाज़ सुन लेना है और क्या। मेरे पास दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन ये था कि क्लास ना लें, एक ऑप्शन था कि क्लास लें। तो क्लास लेने में बाहर की आवाज़ सुननी थी तो उसको तो सुनना ही पड़ेगा, काम चल रहा है इसमें, अब उसको मना भी नहीं कर सकते ना, दूसरे का है तो। चलिए तो अब काम क्या कर लें, काम क्या कर लें, पहले का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, टेन एक्स आई एक घर दूसरा घर हाथी का सूर एक घर दो घर और डी एक्स, चार को घर आपको बनाना है। पहले घर में फर्स्ट फंक्शन जो है उसको कॉपी कर लीजिए, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। अब पहले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x tan x और फिर ये हो जाएगा tan x। तो फाइनली मेरे पास आ गया sec x और tan x माइनस sec x इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं देखते हैं। टेन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं sec x, टेन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x माइनस वन डी एक्स। तो sec x tan x माइनस
sec qx dx, माइनस माइनस कितना प्लस sec x dx, यही हो जाएगा। और यहाँ पे कौन है आपका i, गौर से देखिए क्या इसको आप i बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन ही एक्सेप्शन है, क्या इसको आप i बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं सर, तो i बराबर sec x और tan x माइनस आई प्लस हाथी का सूर sec x dx। ये माइनस आई इधर आ जाएगा तो 2i हो जाएगा और sec x इंटू tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x हम बताए थे log sec x प्लस tan x अब प्लस c, तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इस एक्सेप्शन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन के ऊपर में लिख लीजिएगा एक्सेप्शन। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो पहली नज़र में आपको उसमें बाईपास लिखता हुआ लगता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे अपने आप उसमें एक्सेप्शन, हाँ लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें सब नियम फेल हो जाता है। आई एक्स टेन इनवर्स x और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 dx। देखने में ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही डरावना है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अब काम ये कीजिए, सबसे पहला काम टेन इनवर्स x को आप t मान लीजिए, जैसे ही आप t मानेंगे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। पहला काम x का वैल्यू आप निकालिए तो 10t होगा, अब जाके इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dx by dt इक्वल टू sec स्क्वायर t, तो dx बराबर sec स्क्वायर t और dt। और इस x के जगह पे 10t, tan इनवर्स x के जगह पे t, dx के जगह पे sec स्क्वायर t dt, 1 प्लस tan स्क्वायर t और 3/2। आगे का काम आप कर लीजिएगा dys। आगे का काम आप कर लीजिएगा,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे 1 + 10² t क्या होता है? sec² t होता है। तो sec² t का 3/2, 2 खत्म, यानी sec³t, ये और ये कट जाएगा, एक sec बचेगा। 10 sin को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा sin cos में। एक लाइन और लिख ही देते हैं आपको, आई 10t फिर टी sec² t dt, और नीचे में sec³t, ये और ये कट जाएगा, sec t बचेगा। अच्छा, tan क्या होता है? sin by cos, और sec क्या होता है? यानी ऊपर में आपके पास अब बचेगा t sin t dt, आगे का काम आप कर लीजिएगा dys। अगला क्वेश्चन है, आई एक्स साइन इनवर्स एक्स और 1 - x² dx। काम क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स को आप टी मान लीजिएगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, एक्स बराबर साइन टी आप फिर डिफ्रेंशिएट। फिर डिफ्रेंशिएट करना है, देखिए दो फंक्शन अगर साफ सुथरा दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम वही होता है जनरली टेन इनवर्स और लॉग में ही सेकेंड फंक्शन को वन मानते हैं, और भी एक दो जगह मानते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह देखिए आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और पहले आप एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तब जाके उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल के। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं देखे, वो क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिएगा ये बनता है कि नहीं। आई कॉस √x dx पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, आई कॉस इनवर्स √x और dx, ये दोनों क्वेश्चन में IBP लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आप ये भी बता देते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करना है, दोनों में सब्स्टिट्यूशन होगा। आगे देखिए, बनाइएगा दोनों क्वेश्चन को, और हम होमवर्क भेज देते हैं, लगभग 20-30 क्वेश्चन है, उसको आप बना के सेंड कर दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, ओके, बाय बाय।